बोलो जहरवीर गोगा जी महाराज की जय। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। सभी दर्शकों का गोगा मेडी मेले में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हर साल गोगा मेडी मेला भरता है दोस्तों, और ये भादो माह में भरता है। इसकी तारीख आगे पीछे हो जाती है, यानी कि तारीख तय नहीं होती इसकी। ये भादो माह की एकम से शुरू होता है और भादो माह की पूर्णिमासी पर खत्म होगा। वीडियो में बताएंगे आपको कि तारीख में किस तारीख से और किस महीने से गोगा मेडी मेला शुरू होने वाला है। दोस्तों, ये मेला हमारा देश का कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। गोगा मेडी मेले में दोस्तों हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। दोस्तों, गोगा मेडी मेले में देश के कोने कोने से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपकी जानकारी के लिए बता भी दें कि यहाँ पर दो मुख्य धाम हैं, गोगा पीर महाराज का मंदिर और दूसरा गुरु गोरखनाथ महाराज का मंदिर। गोगा जी महाराज के गुरु गोरखनाथ महाराज गुरु माने जाते हैं दोस्तों, और दोनों धामों पर एक साथ ये भादो माह में मेला लगता है दोस्तों। यहाँ पर नवमी पर काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। भादो माह में दो नवमी आती है, बड़ी और छोटी, दोनों पर काफी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं दोस्तों। ये मेला दोस्तों राजस्थान में गोगा मेडी नामक गांव में तहसील नहोर जिला हनुमानगढ़ में लगता है दोस्तों। राजस्थान के अलावा यहाँ पर हरियाणा, यूपी, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, कई स्टेटों से श्रद्धालु दर्शन के लिए और मेला देखने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, जो श्रद्धालुगण मेले में रात को रुकना चाहते हैं, वो यहाँ पर कई धर्मशालाएं हैं, रात को रुक सकते हैं। खाने पीने की यहाँ पर कोई चीजों की कमी नहीं है, होटल है, काफी होटल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मेले के अंदर भी और बाहर गोगा मेडी गांव में भी। दोस्तों, सबसे पहले श्रद्धालुगण, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये गोरख टीला का व्यू है दोस्तों। सबसे पहले गोरख टीला में धोख लगती है, क्योंकि सबसे पहले गुरु की धोख पूजा होती है और उसके बाद श्रद्धालु जन यहाँ से गोगा जी महाराज के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। दोनों पर काफी बड़ा मेला लगता है, दोनों का मेला ग्राउंड आपस में मिलता है और दोनों की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर की है। आप मेला देखते हुए एक दूसरे धाम पर जा सकते हैं दोस्तों, और ये देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर लाइनों में भगत जन जब मेला लगता है उस टाइम लाइन में लगकर धोक लगाते हैं, क्योंकि काफी संख्या में भीड़ हो जाती है। और यहाँ पर भी देखिए भगत जन पूजा पाठ करते हैं, जो गोगा जी महाराज की छड़ी निकालते हैं, आपको गांव में देखा होगा जिसको गोगा बोलते हैं, वो भगत जन यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। और जो बीमार व्यक्ति है या किसी पर किसी प्रकार का साया है, उसको यहाँ पर गोरखनाथ महाराज की दया से दूर किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर खरीददारी के लिए कोई चीजों की कमी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हर आइटम काफी वाजिब दामों पर मिलती है, क्योंकि बहुत सारी दुकाना और काफी बड़ा मेला होने के कारण और लंबा मेला चलता है, इसलिए यहाँ पर 10 रुपए से सेल शुरू होती है दोस्तों। और ये गोगा मेडी का खुद का रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, रेलवे की लाइन यहाँ पर मेला ग्राउंड के बिल्कुल नजदीक रेलवे स्टेशन है दोस्तों। अगर आप दूर दराज से रेल के द्वारा आना चाहते हैं, तो रेल के द्वारा भी आप गोगा मेडी मेले में आ सकते हैं। और ये देखिए गोगा जी महाराज के मंदिर में धोख के लिए इस प्रकार भगत जन देख सकते हैं गोगा छड़ी के साथ जा रहे हैं। गोरख टीला से ये गोगा मेडी में जा रहे हैं, और यहाँ पर झूले और काफी खिलौने आपको मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ का एक मुख्य मेला ऊंट मेला भी है, जो गोगा जी महाराज के मंदिर के सामने ही इसी मेले के नजदीक लगता है। यहाँ पर राजस्थान से काफी संख्या में ऊंट आते हैं दोस्तों बिक्री के लिए। आप ऊंट मेला भी देख सकते हैं,
ऊंट मेला देखने का भी अपना ही एक आनंद है दोस्तों। इस मेले में मिट्टी के बहुत ही खूबसूरत बर्तन आपको मिल जाएंगे, हर प्रकार के किचन का जो सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पशुओं के श्रृंगार का सामान है, लेडीज के श्रृंगार का सामान है, बच्चों के खिलौने हैं, घरेलू वस्तुएं हैं उपयोग के लिए, आप हर प्रकार की आइटमें काफी कम दामों पर आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और देखिए कितना बड़ी गोगा छड़ी के साथ भगत जन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दोस्तों। वैसे तो ये मेला 12 माह चलता है, यहाँ पर इस प्रकार की देखिए मिट्टी के बर्तन है और भी काफी सारी प्रसाद की दुकानें हैं, आपको यहाँ पर 12 महीने मिल जाएंगी, जिसको छोटा मेला बोलते हैं। वैसे इसको 12 माह चलने वाला मेला भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेला जो भरता है, जिसमें काफी संख्या में भीड़ होती है, वो 2 माह की एकम से शुरू होता है। और अब की बार 2024 में दोस्तों ये मेला 20 अगस्त से शुरू होगा, यानी कि 2 माह की एकम से, और 19 सितंबर 2024 तक चलेगा पूरा ये 1 माह 30 दिन, यानी कि मेला चलता है, इसीलिए इसको देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है और काफी लंबी टाइम तक चलने वाला मेला। वैसे आम मेला होता है जो 1 से या 3 दिन तक ही चलता है, यही एक ऐसा मेला है दोस्तों कुंभ के बाद जो 1 माह तक चलता है। यहाँ पर दोस्तों आप झूलों का आनंद भी ले सकते हैं, ऊंट की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर डमरू और ढोल जो संगीत का साधन है, आपको हर प्रकार की आइटम यहाँ पर मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आपको यहाँ पर हर प्रकार का मिल जाएगा। देखिए गोगा मंदिर के सामने कितनी भीड़ लगी हुई है भक्तों की दोस्तों, और ये बच्चों के लिए देख सकते हैं आप झूले हैं, हर प्रकार के झूले आपको यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। और गोगा जी महाराज का काफी बड़ा मंदिर है दोस्तों, 4 गेट है इसके, काफी सुंदर नजारा गोगा मंदिर का। आप जो भी भगत जन एक बार जाता है वो हर साल यहाँ पर जाता है दोस्तों। इसको हिंदू मुस्लिम का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख भाई भी गोगा जी महाराज को मानते हैं और मत्था टेकने जाते हैं। अपने आप में खूबसूरत मेला है दोस्तों ये, और यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी है, आपको कोई बोतल खरीदने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसको गरीबों का मेला कहें तो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर फ्री में आपको पानी प्रशासन द्वारा मुहैया कराया जाता है, और यहाँ पर फ्री में खाना भी आप खा सकते हैं। बहुत से गोगा जी के भगत जो हैं यहाँ पर भंडारा लाते हैं दोस्तों, और ये देख सकते हैं मेले के काफी बड़े बड़े झूले, ऐसे झूले बाकी मेलों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हर प्रकार के झूले दोस्तों आपको मिल जाएंगे, और ये देखिए इस प्रकार यहाँ पर धोख के लिए भगत जन लाइन में लगते हैं दोस्तों। लाइन में भक्तों किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए प्रशासन यहाँ पर कूलर और पंखों का इंतजाम करता है और ऊपर पर्दा लगाया जाता है ताकि धूप से भक्तों को बचाया जाए। प्रशासन आपकी पूरी मदद करता है दोस्तों, किसी प्रकार की आवश्यकता हो आपको, कोई भी आपका दोस्त इधर उधर हो जाता, आपसे गुम हो जाता है, तो गोगा जी के मंदिर में आप सूचना केंद्र में सूचना दे सकते हैं। कोई आइटम आपकी खो जाती है, गुम हो जाती है, तो भी आप सूचना दे सकते हैं, प्रशासन पूरी मदद करता है। और ये ऊंट मेला दोस्त देखिए यहाँ पर काफी बड़े एरिया में ऊंट मेला लगता है, आप ऊंट मेला भी अवश्य देखें। किसान भाई यहाँ पर ऊंट को खरीदने व बेचने के लिए आते हैं, और ये कुछ झलक देख रहे हैं आप काफी खूबसूरत झूलों की दोस्तों। ज्यादातर झूले यहाँ पर रात को चलते हैं, यहाँ पर सर्कस और जादू का खेल भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। गोगा जी महाराज का जन्म स्थान ददरेवा में है, जो राजस्थान में ही पड़ता है, और वहां पर भी 2 माह में काफी बड़ा मेला लगता है, काफी संख्या में वहां पर भी श्रद्धालु जन पहुंचते हैं, क्योंकि गोगा जी महाराज गुरु गोरखनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, और इसीलिए गुरु गोरखनाथ महाराज जी को गोगा जी महाराज के गुरु माने जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले गोरखनाथ महाराज की पूजा होती है दोस्तों। और ये देख सकते हैं भगत जन लाइन में लगे हुए हैं गोगा जी महाराज के दर्शन के लिए दोस्तों, और ये दुकानें देख सकते हैं आप,
काफी खूबसूरत दुकाना है दोस्तों, और देखिए मिट्टी के कितने सुंदर बर्तन आपको नजर आ रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों इस चैनल पर आपको गोगा मेडी मेले का हर अपडेट देखने को मिलेगा। जब भी मेला लगता है दोस्तों हम मेले की यात्रा करते रहते हैं और भगत जनों तक लाइव अपडेट देते रहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम धन लाभ है, उस पर भी गोगा मेडी की खूबसूरत वीडियो आपको देखने को मिलेगी और इस चैनल पर भी आपको गोगा मेडी की वीडियो देखने को मिलेगी। गोगा मेडी मेले का हर अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप बिल्कुल फ्री है दोस्तों। दोस्तों जैसे ही गोगा मेडी की नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, गोगा पीर महाराज का आशीर्वाद बना रहे।